हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास अगेन। आज का हमारा वीडियो जो है वो है इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, यानी कि जो कंपटीशन में पूछी जाने वाली रिएक्शंस को अपन एक अलग से फिर से शॉर्ट तैयार कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी अदर देन एनसीईआरटी और कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है और कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबके लिए अगेन अ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। इसमें से एक कॉमन कंसेप्ट है, दैट इज नंबर वन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन मींस टू स्मॉल मॉलिक्यूल गेट जॉइन टूगेदर बाय इलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स CO2, H2, HCl एंड गेट कन्वर्ट इनटू लार्ज मॉलिक्यूल एज ए मेन प्रोडक्ट, द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन जो होगा, सिंपल मींस दोनों मॉलिक्यूल आपको सेम लेने। मोस्टली एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दैट इज फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। किसके लिए होगा? कार्बोनाइल कंपाउंड। और जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन कैटेगरीज हमारे पास में होगी, ठीक है। अब सबसे पहले सिंपल ए पार्ट लेते, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन मींस बोथ मॉलिक्यूल विल बी सेम। जैसे आपने मान लीजिए एसिटाल्डिहाइड लिया, तो सेकंड मॉलिक्यूल भी आपका जो होगा वो एसिटाल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये तो कहलाएगा रिएक्टेंट, और सेकेंड मॉलिक्यूल होगा वो कहलाएगा स्टूडेंट्स रिएजेंट, ठीक है, रिएक्टेंट एंड रिएजेंट। जो रिएजेंट होगा उसमें देखो, जो फंक्शनल ग्रुप का नेबर कार्बन होता है वो अल्फा होता है, और इसका एक एच आप डाउन में लिख दीजिए इस तरह से, और सीएचओ ग्रुप जो होता है ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई। तो सीएचओ ग्रुप इज माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में जाएंगे, जिससे आपका H जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और ये जो CH2 माइनस CHO ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन हो, तो CH माइनस CH2 CHO, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा आपका। अब चूंकि एलियट कीटोन कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि पहले आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये कंपोनेंट। और इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट? पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एज पर नेगेटिविटी, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसको देखो, रिएक्शंस को लिखिए, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें CH3CH और ये जो वो है ऊपर टर्न करा दो, ताकि आपका ये सीधी चेन कनेक्ट हो जाए। तो देखो CH3CH, ठीक है, अब इस O को ऊपर टर्न कर दिए सिंगल बॉन्ड में O, ठीक है, O माइनस। अब यहां पे क्या होगा स्टूडेंट? कार्बन पे क्या आया हुआ? प्लस। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है आपका ये सीधा कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो इसका प्लस रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2CHO, ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रोफाइल H प्लस अटैक करेगा और वो आपका O पे चला जाएगा, तो आंसर क्या आया? CH3CHOH आ जाएगा, CH2CHO, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन का। और ये सारी रिएक्शन हेट्रोलाइटिक फ्यूजन से होती है, इसीलिए आप पोलर सॉल्वेंट। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एज ए कैटलिस्ट डाइल्यूट NaOH लेना है, ये पक्का याद रखना है। तो एल्डोल में क्या आता है स्टूडेंट्स, याद रख लीजिए, एल्डोल में D आता है, D से डाइल्यूट याद रख लीजिए, डाइल्यूट NaOH। इसकी जगह आप बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी ले सकते हैं, इसको बेराइटा वाटर बोलते हैं, बेराइटा वाटर, ये भी काम में ले सकते हैं। अब इसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा? तो देखो, जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है अपने पास में, इसमें देखो एक तो आपका एल्डिहाइड आ रहा है, तो एल्डिहाइड का हो गया एल्ड, ठीक है। ओएच का सफिक्स क्या होता? ऑल। दोनों की स्पेलिंग को मिला के देखिए स्टूडेंट्स, क्या बना? एल्डोल, ठीक है। तो ये आपकी मॉइटी आपस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स मैच हुए और एडक्ट बन के आपका फाइनल लार्ज मॉलिक्यूल बन गया, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इसका नाम क्या पड़ गया? एल्डोल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है, वो है कि अगर आपको एग्जाम में एल्डोल ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, या आपको कह दे कि जो प्रोडक्ट आया है इसको एक्सेस हीट करना है, अगर एक्सेस हीट के लिए बोला जाता है स्टूडेंट्स,
इसका मतलब इसके अंदर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा में देखो आप ध्यान रखना, जैसे OH ग्रुप भी है और CHO भी है, तो प्रायोरिटी में जो पहले आता है वहां से डिसाइड होगा अल्फा। तो ये एक्सक्लूड फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन विल बी अल्फा बीटा एंड गामा। OH डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि प्रायोरिटी में CHO पहले आता है। तो अब देखो बीटा का तो OH और अल्फा का H, तो यहां एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH, ये आपका फाइनल। नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने स्टूडेंट्स आपके पास, 4, ब्यूट, 2 पे क्या आ गया आपका इन, और 1 पे आ गया अल, ठीक है। तो ब्यूट 2 इन 1 अल इसका फाइनल प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा आफ्टर एक्सेस हीट। ये लिखा हो तो अपन को इसमें देना, नहीं तो आपका ऑप्शन में ये आंसर या यहां तक भी किसी रिएक्शन को प्लेस करते तो उसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब अपने पास इसमें आता है मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, बी पार्ट हो जाएगा मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स मिक्स के केस में बोथ मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करने वाले कार्बोनिल कंपाउंड, बोथ मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, बट बोथ मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर एक के पास भी नहीं होगी तो वो क्रॉस एल्डोल में चला जाएगा, इसीलिए दोनों डिफरेंट भी हो लेकिन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यह ध्यान रखना। जैसे स्टूडेंट्स आपने मान लीजिए एक एल्डिहाइड ले लिया और एक कंपोनेंट आपने कीटोन ले, यानी कि एसीटोन जो फर्स्ट मेंबर है उसका, ये वाला ले लिया, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कौन से मॉइटी या मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप काम आएगा और किसकी अल्फा हाइड्रोजन काम आएगी। तो इसमें बच्चों जब भी मिक्सड आए तो हमेशा आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान रखना, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो उसमें से मोलर मास अगर अप्रोक्स सेम है तो उसमें एल्डिहाइड लोअर मोलर मास रिएक्टिव होगा और एल्डिहाइड स्पेशली ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसीलिए एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लीजिए और कीटोन का आप क्या लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड, ये दो मॉलिक्यूल अलग अलग है तो अगर अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो उस केस में वो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो इसका आप जो लेंगे वो तो फंक्शनल ग्रुप लेंगे CHO और उसका क्या लेंगे, अल्फा। तो इसको देखो इस तरह से लिख दीजिए CH2, एक एच को नीचे शो कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को इजी एक्सप्लेनेशन दिख सके, ठीक है। ये ऐसे इसमें वही सेम तरीका बच्चों, ये शेड पर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दिस आएगा तो ये H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस, ऑक्सीजन को ऊपर लिख दीजिए ताकि एक्सप्लेनेशन इजी हो, तो ये आ जाएगा CH3CH, O को ऊपर लिख दिया और ये जो H होगा ये O के साथ चला जाएगा और ये सीधी कार्बन चेन इसके साथ में अटैच कर दीजिए, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आए, हर प्रोडक्ट का कॉमन नेम नहीं होता था, आप IUPAC लिख दीजिए, ठीक है। और प्रेजेंस किसकी रखनी है आपको बता ही दिया था, डाइल्यूट NaOH या इसकी जगह क्या ले सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, बराइटा वॉटर। अब देखो इसकी नंबरिंग में प्रायोरिटी कीटोन को मिलेगी तो ये नंबरिंग आ जाएगी 4 एंड 5, 4 पे क्या आ गया आपका हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी और ये 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 5 का हो जाएगा पेंट सिंगल बॉन्ड एन और 2 पे कीटोन है तो सफिक्स में ऑन लग जाएगा। इसमें भी यही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑप्शन में एक्सेस हीट का कहा गया है तो वहां पे हमेशा आपको अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है, यानी कि फिर से वही, अब इसमें कीटोन जो होगा वो प्रायोरिटी पे होता है इसीलिए ये अल्फा डिस, इसमें अल्फा 2 हो जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन, ये आपका बीटा हो जाएगा और ये आपकी गामा। तो देखो अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा का तो OH और अल्फा का H, तो इस जगह पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लिखिए स्ट्रक्चर को, आप भी लिखिए स्ट्रक्चर को, साथ साथ में क्या बनना चाहिए एक्सपेक्टेड, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब वही यहां से नंबरिंग शुरू कर दी, कीटोन की नियरर पोजीशन हो गई, स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे इसको, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 तो पेंट, डबल बॉन्ड कितने पे 3 पे तो इन और 2 पे आपका क्या आ जाएगा ऑन, ठीक है। तो
तो ये आपका हो गया मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। यस स्टूडेंट्स, अब अपने पास सी पार्ट इसके अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल क्रॉस में स्टूडेंट्स टू मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स एनी वन, कोई एक के पास, एनी वन, एक के पास हाइड्रोजन नहीं होंगे, तो एनी वन मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरे के पास एब्सेंट रहेंगे, एक के पास प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अब दो परमानेंट याद कर लीजिए कि अल्फा एच एब्सेंट वाले कौन से दो मेन फेमस कंपाउंड है, उसमें एक तो फॉर्मेल्डिहाइड याद कर लो और एक बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं होता, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का, ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप अटैच कभी अल्फा मत कहेगा, अल्फा के लिए पहले कार्बन होना चाहिए फिर उस पर अटैच्ड वाला अल्फा होगा। इस केस में क्या होगा, बेंजल्डिहाइड है तो ये कार्बन अल्फा तो है लेकिन यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है, राउंड हटाएंगे डबल बॉन्ड आएगा, यहां हाइड्रोजन नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम, ओके। तो इनमें से कोई एक तो ये पार्टिसिपेट करेगा और एक आपका एसिटाल्डिहाइड या कोई भी ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स जो अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट वाला होगा उसका तो आपको फंक्शनल ग्रुप काम में लेना है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है जैसे एसिटाल्डिहाइड, इसका एच ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स, और यहां से पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, वही एच इसको मिल जाएगा और ये सीधा इससे अटैच हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, सी एच टू, कितने हैं दो, तो सी एच टू ऊपर क्या आ जाएगा, और ओ के साथ क्या लग जाएगा, एच सी एच टू सी एच, ये आपका आंसर हो गया, वही डाइल्यूट NaOH। कैनिजारो से ये कैसे डिफरेंट है, क्योंकि कैनिजारो के केस पे कंसंट्रेट आता, सी फोर कैनिजारो सी फोर कंसंट्रेट NaOH, उसमें दोनों ही मॉइटी कैसी होती है, अल्फा अब्सेंट वाली होती है, गब्बर ठाकुर वाली स्टोरी जो थी, ठीक है। तो इसमें नंबरिंग कहां से कर देंगे, तो वन टू एंड थ्री, ठीक है, तो थ्री हाइड्रोक्सी हो जाएगा, थ्री हाइड्रोक्सी, और ये आपका क्या कहलाएगा, प्रोप एन वन अल, या वन लिखना जरूरी नहीं है, प्रोप एन अल भी लिख सकते हैं। तो ये था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन है बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। इसमें अपन कोई कीटोन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास में एक स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्साइल ले लेते हैं, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल और कीटोन, ठीक है, इसका अपन बेयर विलेगर, बेयर विलेगर में आपको ध्यान होगा स्टूडेंट, इसमें जो पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है वो पर एसिटिक एसिड या पर बेंजोइक एसिड C6H5CO ट्रिपल ओ होता है ना, स्ट्रक्चर में अपन इस तरह से लिख सकते हैं इसको, पर बेंजोइक को सी डबल बॉन्ड ओ ओ और एच, तो ये पर ऑक्साइड, इसमें से एक ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी हमको तो वो नॉर्मल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो एक ऑक्सीजन आपको इसमें से अवेलेबल हो जाएगी, ये वाली पर ऑक्साइड फॉर्म में जो है। तो ये आपका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही बना दीजिए, आंसर जो होगा वो आपका ओ सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री, ये क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्साइल और ये आपका एसीटेट फॉर्म हो जाएगी, तो एनहेक्साइल साइक्लोहेक्साइल एसीटेट, और इसको क्या बोल देंगे, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, इसको बोलते हैं बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, इसमें कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। बेंजोइन कंडेंसेशन में आपको स्टूडेंट्स दो एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लेने, टू मॉइटी मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है, और इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक, एएलसी जब भी लिखते हैं तो एल्कोहलिक, एक्यू लिखते हैं तो एक्वस, एल्कोहलिक केसीएन की प्रेजेंस में इसको, कैटलिस्ट याद रखिएगा, केसीएन की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करती जैसे अपन वुड्स में लिखते हैं वैसे इस तरह से इनको दोनों पहले एल्डिहाइड ग्रुप्स को ऐसे आमने सामने लिख दीजिए, डबल बॉन्ड सी एच, ये इस फॉर्म, ये दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होगी, ठीक है, अलग अलग बेंजल्डिहाइड। अब इसमें क्या करेंगे,
एक एच जो होगा आपका, ध्यान से देखिएगा इसको, एक एच जो होगा, ये पाई बॉन्ड क्रैक कर दीजिए, एक एच इसका इस पे चला जाए तो क्या बन जाएगा, ओ एच, और ये सीधा सी से जोड़ना क्योंकि सी का बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ओ को साइड में ऊपर कर दीजिए, तो देखो क्या स्ट्रक्चर बना, ये बेंजीन, ठीक, ये सी एच, ओ, ओ के साथ क्या आ गया एच, ठीक है, इधर आपके पास क्या बचा सी, सी पे क्या है डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड, इसको टर्न करा दीजिए ऐसे, और उधर आपका वापस से स्ट्रक्चर बना दीजिए क्या, बेंजीन, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, सिंपल सा बिल्कुल, एक किसी भी एक एल्डिहाइड का एच आप ऑक्सीजन से ओएच में कन्वर्ट कर दीजिए, और रिमेन्स को कार्बन कार्बन को आपस में अटैच कर दीजिए, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजोइन, इसीलिए इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है क्लेजन स्मिट कंडेंसेशन, ठीक है, क्लेजन स्मिट कंडेंसेशन में स्टूडेंट्स, एक आपका एल्डिहाइड जो होगा वो एरोमेटिक होगा, यानी कि बेंजीन पे CHO ग्रुप, और एक इसके साथ लेना है आपको एलिफेटिक, जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए, यानी कि क्लेजन स्मिट कंडेंसेशन जो होगा वो एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड, इसकी जगह कीटोन भी ले सकते हैं, कीटोन किसी में भी रिएक्शन हो जाएगी, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड रहेगा, ठीक है, इसकी जगह कीटोन भी रिप्लेस हो जाएगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये आप एच ऐसे लिख दीजिए डाउन की तरफ, ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, उसी तरह से करना जैसे अपन रूटीन एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, बस इसमें एक एरोमेटिक कंपोनेंट आ जाएगा, वही पाई बॉन्ड क्रैक हो जाएगा इसमें स्टूडेंट्स, और एक एच आपका ओ के साथ, और इसको बाकी सी को सी से अटैच कर दीजिए, तो आंसर क्या आया, बेंजीन, बेंजीन पे आपका ये सी एच, और ओ को ऊपर की तरफ लिख दी ओ, और एच ये वाला इसके साथ आ गया, तो ओ एच, नाउ रिमेन्स स्पीसीज के साथ जोड़ दीजिए सी एच टू सी एच ओ, ठीक है, फिर वही एक्सेस हीट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, एक्सेस हीट करेंगे तो अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन होगा, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन में क्या निकल जाएगा एच टू ओ, देखो ये मेन फंक प्रायोरिटी में ये पहले आता, तो आपका इसमें अल्फा कौन सा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराना है, तो यहां मार्क कर दीजिए एक्सक्लूड फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन विल बी अल्फा, देन नेक्स्ट ऑटोमेटिकली बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ओके, तो अब इसमें से ओ एच और यहां से आपका एच नहीं, तो यहां डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो होगा क्लेजन स्मिट कंडेंसेशन का वो आपका सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ। इसका बहुत ही फेमस नाम है स्टूडेंट्स, सिनाम, सिनाम एल्डिहाइड, सिनाम एल्डिहाइड, ठीक है, सिनाम एल्डिहाइड, और ऐसे नॉलेज के लिए आप देखें जिसका भी यहां पे सीओ है तो उसको सिनामिक एसिड बोलते हैं, बट अभी इस रिएक्शन के अंदर सिनाम एल्डिहाइड बनेगा। नाउ अब इसमें स्टूडेंट्स अगर आपको सिर्फ क्लेजन कंडेंसेशन स्मिट नहीं हो साथ में, और आपको सिर्फ ये पूछे क्लेजन कंडेंसेशन एक्सप्लेन करिए, ठीक है, या इसका एंड प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है, इस केस में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे इसमें टू मॉलिक्यूल अपन एरोमेटिक एलिफेटिक लेते हैं, तो ये तो आपका इसमें लिख ही दिया था अपने बेंजाल्डिहाइड, और ये मोइटी आपके क्या कहलाएगी एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, इसमें क्या करना क्लेजन कंडेंसेशन में टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ ईस्टर, टू मॉलिक्यूल ऑफ ईस्टर लेना, और वो अल्फा हाइड्रोजन, एक एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन कंटेन होना चाहिए, ये कंडीशन है इसकी, ठीक है, तो अपन जैसे एग्जांपल लें इसके अंदर ईस्टर का CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये आपका क्या कहलाएगा इथाइल, कॉमन नेम में एसीटेट, तो इसको अपन लिख देते हैं इथाइल एसीटेट, ठीक है, सेम मॉइटी एक और ले लीजिए CH3C डबल बॉन्ड OC2H5, इसको भी अपन लिख देते हैं इथाइल एसीटेट, ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी वही अल्फा हाइड्रोजन कंसेप्ट है, तो ईस्टर में ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप से, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को एक्सक्लूड करेंगे तो नेक्स्ट कार्बन विल बी अल्फा, इस कार्बन का एक एच अपन डाउन में लिख देते हैं ऐसे, ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका, और ये पोलर बॉन्ड रिएक्टेंट का ब्रेक हो जाएगा, तो ये आपका क्या निकल जाएगा C2H5OH एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा,
और बाकी कार्बन चेन इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगी। तो देखिए क्या एंड प्रोडक्ट बना इसके अंदर, बाई प्रोडक्ट तो आपका एल्कोहल निकल जाएगा स्टूडेंट। अच्छा ये रिएक्शन जिसकी प्रेजेंस में होगी उसको बोलेंगे सोडियम इथोऑक्साइड, सोडियम इथोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला C2H5ON है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब अपन रिएक्शन का पार्ट लिखे, मेन प्रोडक्ट पहले लिख देते हैं CH3C डबल बॉन्ड। अब देखो ये तो निकल गया, तो यहां से जुड़ जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट में आपका C2H5OH ये वाला। ठीक है, अब इसका नाम में देखो अगर अपन को अल्फा बीटा डिजिग्नेट करना हो तो ये तो आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हुआ C डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटो, तो प्रायोरिटी में पहले ईस्टर आता है, तो ईस्टर का एक्सक्लूड ईस्टर कार्बन या फंक्शनल ग्रुप कार्बन, नेक्स्ट विल बी अल्फा देन बीटा देन गामा डेल्टा। ठीक है, तो इसमें देखो जो सी डबल बॉन्ड हो यानी कि कीटो ग्रुप जो आ रहा है वो कहां पे आ रहा है, बीटा पे, इसीलिए इसको बीटा कीटो ईस्टर बोलते हैं, बीटा कीटो और ईस्टर फॉर्म साथ में, तो इस कंपाउंड आईयूपीएसी जो भी होगा तो इसको बोलते हैं आईयूपीएसी भी लिख सकते हैं आप, यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ठीक है, फिर ये लिख दो आपका 1 2, पहले वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा इथाइल, इसको पहले लिख दीजिए इथाइल को, फिर 1 2 3 पे कीटो, तो 3 कीटो, फिर आपका ये नंबर ऑफ कार्बन ब्यूटेन O8 है ना, और कॉमन में इसको बोलते हैं बीटा कीटो ईस्टर। तो ये आपका ओनली क्लेजन कंडेंसेशन, यस देख लीजिए और पॉज करके आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन अपन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्बस रिएक्शन। एल्बस रिएक्शन जो होगा इसमें आपको क्या करना है, फिनॉल की रिएक्शन है ये, फिनॉल में अगर आपको एक ग्रुप और सब्स्टिट्यूट करना OH का, तो इसको पोटेशियम पर सल्फेट है ना, पोटेशियम पर सल्फेट की प्रेजेंस में कर, पर मींस परऑक्साइड बॉन्ड, पर सल्फेट की, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और बेसिक मीडियम OH माइनस ले लेंगे। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में होना चाहिए, और इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, एक OH ग्रुप आपका क्योंकि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो इसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, एक तो ऑर्थो OH सब्स्टिट्यूशन और एक दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे पैरा OH सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, ऑर्थो अगर फिनॉल पे ऑर्थो पोजिशन पे OH आता है तो जैसे दो बिल्ली की आंखें पास पास, तो बिल्ली को क्या बोलते हैं कैट, तो कैटकॉल नाम क्या पड़ जाए, कैटकॉल है ना, और दो आमने सामने बैठ के पार्टी कर रहे हैं OH की, तो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे क्विनॉल, ठीक है, आमने सामने क्यों पी रहे हो, तो क्विनॉल, OH है दोनों, ध्यान रखना, तो इसको क्विनॉल, पैरा क्विनॉल कह सकते हैं, पैरा क्विनॉल। तो ये आंसर किसमें आता है, एल्बस रिएक्शन के अंदर। एक होती स्टूडेंट्स गोमबर्ग रिएक्शन, गोमबर्ग रिएक्शन, गोमबर्ग रिएक्शन में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें कि जैसे आपके पास पे डायजोनियम सॉल्ट होता है ना, डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट में क्या लेते हैं N2Cl, बेंजीडाइक्लोराइड, इसके पैरा पोजीशन पे एक हैलो, तो इसको बोलते हैं पैरा ब्रोमो डायजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन अपन अगर बेंजीन से कराते हैं, बेंजीन से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये रिएक्ट रिएजेंट है, तो इसमें से आपका हीट करेंगे तो N2 गैस निकल जाएगी, HCl निकल जाएगा, और ये दो आपकी डाइफिनाइल, तो ब्रोमो तो अपनी जगह पे रहेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए बेंजीन को इस फॉर्म के अंदर, तो ये देखिए, ठीक है, तो ये बेंजीन और बेंजीन मिलके आपका क्या बना, डाइफिनाइल, और पैरा पोजीशन पे ब्रोमो है तो इसको लिख देंगे पैरा ब्रोमो डाइफिनाइल, पैरा ब्रोमो डाइफिनाइल गोमबर्ग रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है गटरमान, गटरमान एल्डिहाइड, गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। याद रखिए ये गटरमान कोच से थोड़ी सी अलग होती है, एक तो गटरमान कोच एल्डिहाइड से, एक ओनली गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस आए, तो इसमें भी स्टार्टिंग आपको स्टूडेंट्स बेंजीन ही लेना, अपन कंपेयर भी कर लेंगे अभी, तो इसमें स्टार्टिंग में आपको इसमें भी स्टूडेंट्स बेंजीन ही लेना, इसमें जो आपका रिएजेंट होगा उसमें एक तो लेना हाइड्रोजन साइनाइड और उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, या इसकी जगह पे आप ले सकते हैं ZnCl2। ठीक है, पहले इन दोनों एक पाई बॉन्ड क्रैक कर दीजिए इसका, ठीक है, और इन दोनों को एक पे H और एक पे Cl ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका CH डबल बॉन्ड NH और Cl बन जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट आ जाएगा। फिर इसका अपन क्या करेंगे, HCl निकाल देंगे। HCl निकालने के बाद में हमारे पास में जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलेंगे बेंजल डबल बॉन्ड। निकटोलियम में से दो एच कम हो ना, बेंजाइल बेंजल बेंजो, तो दो एच कम हो गए तो बेंजल, और ये जो ग्रुप होता है डबल बॉन्ड NH इसको बोलते हैं इमीन, तो बेंजल इमीन, है ना, बेंजल इमीन। बेंजल इमीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस से आपको अमोनिया गैस इसमें से आउट हो जाएगी और डबल बॉन्ड के साथ ही आपका एंड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, बेंज एल्डिहाइड फॉर्म साइड। अब अगर इसकी जगह गटरमान कोच होता तो कोच में सिर्फ यहां पे जो आप HCl उसकी जगह पे C डबल बॉन्ड हो, तो अगर गटरमान कोच रिएक्शंस पूछते हैं तो यही डिफरेंस होता, इसमें CO प्लस HCl लेते हैं, जबकि गटरमान ओनली गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में HCN प्लस HCl लेना है, प्रेजेंस वही रहेगी। ठीक है, तो ये इसमें, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अपन लेते वेरी फेमस दैट इज हेलो फॉर्म रिएक्शन। कौन सी, हेलो फॉर्म रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हेलो फॉर्म रिएक्शंस में जब भी कभी यानी कि एक ही कार्बन पे ट्राई हैलाइड्स होता तो उसको हेलो मींस हैलोजन, ट्राई हैलोजन होना चाहिए, और फॉर्म मींस वन कार्बन, और एक अपन एच सैचुरेट करेंगे तो सी एच एक्स थ्री को येलो फॉर्म बोलते हैं। अब रेस्पेक्टिव आपके पास फ्लोरो फॉर्म, क्लोरो फॉर्म, है ना, ब्रोमो फॉर्म और आयोडो फॉर्म, ये रहेंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी सिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे आपको क्लोरो फॉर्म करना। इसमें सबसे पहली कंपलसरी कंडीशन स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट के पास में मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक कार्बोनाइल ग्रुप के सराउंडेड में डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, और इधर वाला पार्ट या तो सी हो या एच हो, यानी कि नॉन पोलर नेचर होना चाहिए, लाइक एसिटाइल क्लोराइड एसिटामाइड, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नॉन पोलर यही होगा, या तो यहां पे सी एच थ्री हो या एच हो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब इसकी रिएक्शन स्टूडेंट्स, जब आप क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये जो विदाउट कैटलिस्ट कोई भी क्लोरीन सीधा एल्काइल ग्रुप के थ्री टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा CCl3। अब जैसे मान लीजिए सपोज इस जगह पे आपने CH3C डबल बॉन्ड एच लिया, है ना, या CH3 हो सकता है, तो अगर एच लिया है तो क्या बन जाएगा, सी एच हो, तो इसको बोलते हैं क्लोरल। ठीक है, क्लोरल लिखेंगे इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरल CCl3 CH को बोलते हैं क्लोरल। फिर इसको बेसिक मीडियम में ऐड करके हीट कर देंगे तो ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, H इसको मिलते ही ये तो आपकी क्लोरोफॉर्म बन जाएगी और साथ में बन जाएगा HCOONa, सोडियम फॉर्मेट, तो इसको बोलते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन स्टूडेंट्स। तो इसमें याद रखिएगा मिथाइल कीटोन यानी कि एल्कीटोन या एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए जिसके सी डबल बॉन्ड के सराउंड मिथाइल हो, या कोई एल्कोहल भी क्वालिफाई कर सकता है, जैसे मोस्टली एल्कोहल जो होते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री ये भी क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड कीटोन्स मिलते हैं, इसीलिए प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, और 2 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वो इसमें क्वालिफाई करेंगे, इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नोवेल जेल रिएक्शन। नोवेल जेल रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स आपको बेंज एल्डिहाइड लेना और इसकी रिएक्शन करानी है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का बड़ा भाई, एक सी एच टू इंक्रीज कर दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, मेलोनिक एसिड। ठीक है, इसको इसके इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन हीट करेंगे, इसको पिरिडीन एज ए सॉल्वेंट लेना और इसको आप हीट कर दीजिए। देखिए इसमें किस तरह से रिएक्शन होगी, इसमें एक जो सी एच टू ग्रुप भी था इसका एक एच आप साइड में लिख दीजिए, तो एक तो आपका डबल बॉन्ड हो और ये एच, है ना, एच, तो ये तो निकल गया एच टू ओ, और एक आपकी सीओ टू इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एच एच और ओ एच टू ओ, और ये यहां तक आप देख लेंगे सीओ टू, और रिमेन्स, अब देखो इस कार्बन की दो वैलेंसी खाली हो गई, ये वाली और ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और बाकी एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो क्या बना,
बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या हुआ सी एच, फिर क्या आ गया सी एच और सी ओ एच, ठीक है। बहुत ही फेमस नाम है सिनामिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, सिनामिक एसिड बनेगा। आईयूपीएसी भी लिख सकते हैं 1, 2, 3 फिनाइल, ठीक है, 2 प्रॉप, प्रॉप 2 इन 1 ओइक एसिड हो जाएगा। इसको सिनामिक एसिड के नाम से, अनसेचुरेटेड एसिड को एरोमेटिक अनसेचुरेटेड एसिड सिनामिक एसिड बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स इसी के अंदर सेम प्रोडक्ट आएगा, एक रिएक्शन है बहुत फेमस है परकिन कंडेंसेशन, परकिन कंडेंसेशन। परकिन कंडेंसेशन में स्टूडेंट्स आपको इसी तरह से बेंजाल्डिहाइड लेना, बेंजाल्डिहाइड लेना स्टूडेंट्स, और इसकी रिएक्शन करानी एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड का फॉर्मूला सोचिए जरा, CH3C डबल बॉन्ड, तो कॉमन नॉमिनेटर में किया था अपन ने, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिड मीन्स टू कार्बन और इक्वल है तो एनी हाफ रूट वर्ड एनहाइड्राइड, तो क्या बोलते हैं इसको एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और ये क्या कहलाता है आपका बेंज एल्डिहाइड, इसमें ये भी बेंज एल्डिहाइड हो जाएगा, बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो ये जो कोई भी एसिटिक एनहाइड का एक जो सी एच थ्री है इसके एच दो आउट में लिख दीजिए और इसमें से वाटर आउट कर लीजिए और बाकी को एक बार वापस लिख दीजिए एज ए इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में होगी, सी एच कैटलिस्ट याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखो क्या स्ट्रक्चर आया इंटरमीडिएट, बेंजीन, बेंजीन पे सी एच बच्चों डबल बॉन्ड और यहां से आ जाएगा आपका सी एच सी डबल बॉन्ड, ऐसे पूरा लिख दीजिए ओ, फिर वापस से आपका सीओ सी एच थ्री ना, सीओ सी एच थ्री, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, एच ओ एच हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस विद हीटिंग, तो ये तो निकल जाएगा आपका एसिटिक एसिड और ये एच यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, तो फाइनल आंसर जो बच्चों अपन को मिलेगा इसके अंदर दैट इज सी बेंजीन सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ये बन जाएगा सी ओ ओ एच सी ओ, तो अगेन सेम प्रोडक्ट सिनामिक एसिड लेकिन पाथ अलग है, अलग साइंटिफिक रिएक्शन होगी, इसको बोलते हैं परकिन कंडेंसेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। यस स्टूडेंट्स अब अपन लेते हैं सॉटन बाउमान रिएक्शन। सॉटन बाउमान रिएक्शन के अंदर मोस्टली जो होता है वो बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन आप फिनॉल का करा सकते हैं या एनिलीन एज ए रिएक्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे एक एग्जांपल लिया आपने, सपोज फिनॉल से कराइए आपने, फिनॉल, फिनॉल के साथ में बेंजोइल, बेंजोइलेशन है तो बेंजोइलेशन बेंजोइल क्लोराइड C6H5 बेंजीन हो गया और ये आपका Cl, तो बेंजोइल क्लोराइड, इसको लिख देते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड और ये फिनॉल हो गया। इसकी जगह आप एनिलीन भी ले सकते हैं, इसमें फिनॉल एसिडिक प्रॉपर्टी डोमिनेंट रहती है तो इसका ये HCl कंपोनेंट निकल जाएगा, ठीक है। और इसकी हीट जैसे ही करेंगे आप तो इसके अंदर आंसर सोचिए फटाफट जल्दी से। देखो एसिडिक प्रॉपर्टी का, एसिडिक प्रॉपर्टी में क्या आंसर आना चाहिए, हरी अब जल्दी सोचिए स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द आंसर। यस बेंजीन, सोच लिया बेंजीन, वो है ये अपनी जगह पे, यहां से क्या मिल रहा है सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड हो, ये सी सिक्स एच फाइव है ना, ये वीआईपी सब्सटेंट हो गया तो इसको क्या बोलोगे फिनाइल इस्टर पे, ये कहलाएगा बेंजोएट, तो फिनाइल बेंजोएट, ठीक है। और प्रेजेंस में आप लिख सकते हैं एक्वस एनएओएच, एक्वस एनएओएच, तो ये इसमें बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट एक रिएक्शन और स्टूडेंट जिसको बोलते हैं स्मिट, ओनली स्मिट रिएक्शन। स्मिट रिएक्शन में आपको बेंजोइक एसिड लेना है और इसकी रिएक्शन N3H, ध्यान से देखिए कंफ्यूज मत होना बच्चों, आप इसको NH3 मत समझ लेना, ये N3H ही होता है। इसका बहुत फेमस नाम है हाइड्रा, हाइड्रा एजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड, ये तो हो गया आपका बेंजोइक एसिड और वो आपकी हो जाएगी हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है। यस इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा
कोई भी कंपोनेंट हो, चाहे हाइड्राजीन हो हाइड्राजोइक एसिड हो, मोर देन वन नाइट्रोजन कहीं पे भी होती है तो वहां से हमेशा केमिस्ट्री में एन टू निकलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। और दूसरा, इसको हीट करिए तो इसमें से CO2 इवॉल्व हो जाएगी, तो यहां से CO2 निकल गया, यहां से N2, तो यहां क्या बचा NH, यहां क्या बचा H, तो क्या बढ़ गया NH2, यानी कि फाइनल मेन प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगी, बेंजीन पे NH2, जल्द सोचिए जल्दी से, बेंजीन पे NH2 का बहुत फेमस नाम एनिलीन, और इवॉल्व क्या क्या हुई, दो गैस प्योर प्रोडक्ट मिलेगा CO2 और N2, तो इसको बोलते हैं स्मिट रिएक्शन। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसमें से एक है मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन के अंदर सबसे पहले आपको एक कोई भी एक मिथाइल कीटोन या मिथाइल ग्रुप सोर्स लेना, जिसमें आप एसीटोन भी ले सकते हैं या इसकी जगह पे एसीटोफेनॉन। एसीटोफेनॉन मीन्स बेंजीन के ऊपर COCS3, तो ये मिथाइल ग्रुप है, सोर्स ऑफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए क्योंकि अपन को एच की जरूरत पड़ेगी पहला। दूसरा, उसके साथ लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन कंपोनेंट होगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस रिएक्शन में। और एक लेना बच्चों टू डिग्री अमाइन, ठीक है, टू डिग्री अमाइन में नाम क्या हो जाएंगे यहाँ पे, डाइमिथाइल अमाइन, याद रखिएगा नाम, डाइथाइल या डाइमिथाइल अमाइन ले सकते हैं, टू डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब ये रिएक्शन में थोड़ा सा एसिडिफाई करना है, एच प्लस एसिडिफाई कर कंटिन्यू हीट करिएगा, तो देखिए एक मिथाइल ग्रुप का एच, फॉर्मेल्डिहाइड की O और जो आपके पास 2 डिग्री अमाइन है इसकी आप H, तो H H और O क्या निकल गया H2O, ठीक है। अब जोड़िए CH3, फिर क्या आ गया C डबल बॉन्ड O, ये रहा, यहां क्या बचा CH2, तो ये CH2। फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीजन निकलने के बाद क्या बचा, इस H को इसके साथ जोड़ दीजिए CH2, तो ये आ गया आपका CH2, ठीक है। और उसके बाद में दो इथाइल अमाइन, ये सी एच टू फॉर्मेलिएट वाला और ये आपकी जो टू डिग्री, इसका एच जा चुका है तो ये नाइट्रोजन सीधी आपकी इस फॉर्मेलिएट के कार्बन से जुड़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं मैनिच बेस, याद रखिएगा मैनिच बेस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्टूडेंट टिसेंको रिएक्शन। टिसेंको रिएक्शन जो होती है इसकी एप्लीकेशन होती है, दिस रिएक्शन इज यूज टू सिंथेसाइज इथाइल एसीटेट, यानी कि ईस्टर फॉर्म, किससे, एसीटैल्डिहाइड। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अकेली ऐसी रिएक्शन टिशन को जिसमें एल्डिहाइड से डायरेक्ट ईस्टर फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एल्यूमिनियम यानी कि ट्राई इथॉक्स, एल्यूमिनियम ट्राई इथॉक्साइड फॉर्म कैटलिस्ट लेंगे और इसकी प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। देखिए कैसे हुआ, तो इसमें जैसे अपन एल्डोल करने से इसमें भी दो मोल आपको एसीटैल्डिहाइड लेना, बस कैटलिस्ट अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ट्राई इथो ऑक्साइड एल्यूमिनियम। अब इसमें देखो जो ये सी एच थ्री सी एच ओ है, ये भी सी एच थ्री सी एच ओ, एक एच जो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड का वो इस कार्बन, इस ऑक्सीजन के साथ, मतलब कार्बन के साथ प्लेस कर दीजिए, तो एक ग्रुप कोई भी आपका क्या बन जाएगा सी टू सी एच थ्री और ये आएगा सी टू एच फाइव, ये सी एच थ्री सी और पीछे का सी एच थ्री सी ओ ओ और ये सी टू एच फाइव, तो ये आ गया सी एस थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव, यानी कि इथाइल एसीटेट। तो आपको डायरेक्ट कहीं पे भी अगर ईस्टर बनाना हो तो उसमें हमेशा टिसेंको रिएक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी जो आप ईस्टर्स बनाते हैं वो आप एस्टरीफिकेशन मैकेनिज्म होती है, एस्टरीफिकेशन जिसमें वन मोल विल बी कार्बो ऑक्सैलिक एसिड एंड वन मोल विल बी एल्कोहल, रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसमें आपको ईस्टर फॉर्मेशन मिल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो एक जनरल रिएक्शन तो ये होती है, लेकिन इसमें जो आपके ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती टिशन को, फॉरवर्ड रिएक्शन ही होती है, तो इसमें टिशन को में डायरेक्ट आप ईस्टर फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है, सीधा सीधा दोनों आपस में वाटर भी नहीं निकलेगा, सीधा एक C2H5 बन जाएगा और ईस्टर फॉर्म्स आ जाएगी। एक रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स विल्सम मेयर रिएक्शन। विल्सम मेयर रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स आपको किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन यहां पे क्या कहलाएगा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसकी रिएक्शन टू डिग्री अमाइन, वही जैसे उसमें किया था अपन ने अभी यहां लिया था, इसी तरह से इसमें भी टू डिग्री अमाइन लेंगे, ठीक है, टू डिग्री इथाइल अमाइन मिथाइल अमाइन, और साथ में लेना फॉर्मिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड,
और इससे डायरेक्ट आपको मिलेगा बच्चों बेंज एल्डिहाइड, यानी कि हमें बाकी H2 वगैरह निकल जाएंगे इवॉल्व होकर के कॉम्प्लेक्सेशन, और इसमें से आपको एक CH ग्रुप और एक CHO ग्रुप आपको मिल जाएगा, वो डायरेक्टली बेंजीन पे अटैच हो जाएगा, तो बेंज एल्डिहाइड। तो ये भी हाइड्रोकार्बन से सीधा फंक्शनल ग्रुप अटैच करने के लिए यूज होती है, और इसको बोलते हैं ठीक है विल्सन मेयर रिएक्शन। एक होती है वेकर प्रोसेस, वेकर है ना, वेकर प्रोसेस में आपको इथीन लेना CH2 डबल बॉन्ड CH2 और PDCl2 पैलेडियम डाइक्लोराइड और H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड हीट करेंगे, तो स्टूडेंट इससे आपको इथीन से डायरेक्ट इसमें भी आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा, जिसको यहाँ पे अपन कह सकते हैं एसिट एल्डिहाइड या एसी ये इथेनल और पीडी और 2 मोल ऑफ HCl, तो ये भी सोर्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ आपका क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। यस स्टूडेंट्स, पोज करके अब आप अपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट भी कर लीजिए ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस थी स्टूडेंट्स, जो कंपटीशन और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, नीड जेईई कॉलेज स्टूडेंट और 12th वाले भी रेफर कर सकते हैं इसको। सो थैंक यू।